हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ वेलकिन नेशनल स्कूल। आई होप यू आर स्टडिंग वेल। दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर मिस ज्योति सिंह। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अनदर एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। सो दिस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ये क्या है, हाउ वी चेंज द सेंटेंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। सो बिफोर दैट चलो हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स राउंड करते हैं। नाउ यू नो व्हाट इज़ डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब क्या होता है, जो स्ट्रेटली हम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई एम इन द क्लास विथ यू, हम क्लास में हैं और मैं आपसे कोई बात कह रही हूँ, तो दैट इज़ द डायरेक्ट स्पीच, बिकॉज आई एम डायरेक्टली सेइंग टू यू एंड यू आर लिसनिंग टू मी डायरेक्टली। मेरी बातें आप खुद सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, राइट। बट If I give some message for your parents, अगर मैंने कोई message आपके parents के लिए दिया है, तो that will be the indirect speech. Why? Because मैंने आपको बोला है और आपने parents को जाके बताया है। So यहाँ पे थ्री वे कम्युनिकेशन होता है, लाइक थ्री पर्सन इन्वॉल्व होते हैं एक बात बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से लाइक टेल योर पेरेंट्स टू फिल द डिक्लेरेशन फॉर्म। सो ये मैंने आपको कहा है कि अपने पेरेंट्स को आपको बोलना है, ओके। एंड व्हेन यू विल गो टू योर पेरेंट्स एंड इफ यू से टीच मम्मी टीचर हैज़ टोल्ड अस टू फिल द डिक्लेरेशन फॉर्म, सो व्हाट यू हैव डिड, यू हैव पास ऑन माय मैसेज। सो दैट इज़ द इनडायरेक्ट स्पीच, आप मेरी बातें अपने पेरेंट्स को बता रहे हो, ओके। नाउ लेट्स सी अंडरस्टैंड दिस थिंग्स विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल इन दिस बुक। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, there is one direct speech and indirect speech. So we will read first. Rohan said, mother, I am late for school. So यहाँ पर रोहन डायरेक्टली अपने पेरेंट्स अपनी मदर को बोल रहा है कि आज मैं लेट हो जाऊँगा, ओके। आई एम लेट फॉर स्कूल, मैं लेट हो गया हूँ स्कूल के लिए। एंड हियर मदर सेड, यू विल हैव टू वॉक वेरी क्विकली। सो हियर Why it is like this? यहाँ पे रोहन ने अपने मम्मी को तुरंत सामने से बताया है और यहाँ पे मदर ने इन्फॉर्मेशन क्या दी है कि तुम्हें जो है वो जल्दी चलना चाहिए। सो दिस इज़ द इनडायरेक्ट स्पीच, ओके। बिकॉज यहाँ पे जो सेकेंड पर्सन है उसका नाम नहीं है, ओनली द स्टेटमेंट इज़ देयर मदर सेड, बट टू होम शी सेड देयर इज़ नो नेम, सो दैट इज़ योर इनडायरेक्ट स्पीच। Sentence A and B indicate the actual word that are spoken by the speaker. अभी यहाँ पे रोहन said to mother and mother said, तो ये दोनों A और B क्या है, ये direct speech है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो speaker है mother, वो सामने से बता रही है। Now sentences C and D do not indicate the actual word spoken by the speaker, but the reported words. They are said to be in direct speech. Now how? कैसे? See, Rohan told his mother that. So when this that will come, now students, see that. So it means it is a indirect speech. Why? Because we are taking the help of the reported word that. Rohan told his mother that. Rohan ने अपनी मम्मी को कहा है कि वो late हो गया है। Mother said that she would have to walk very quickly. Now another trick to identify whether the sentence is in the direct speech or indirect speech. So what you will do, you will see the comma. Now open inverted comma, close inverted comma, whenever in your sentence said word will come, or open inverted comma and close inverted comma will come, that sentence is your direct speech. And when in your sentence the word that will come, so that is your indirect speech. Clear student? Understood how to identify the direct speech and indirect speech? Now let's see the rules for changing sentences from direct to indirect speech. अब हम क्या करेंगे, हम rules सीखेंगे ताकि ये जो मेरा direct speech है उसको हमने indirect में कैसे किया है वो हमको जानना है, okay? See. First example, first rule, inverted commas are used in direct speech. No inverted commas are used in indirect speech. As I said कि inverted comma है तो वो direct speech है, और अगर inverted comma नहीं है तो वो indirect speech है।
In direct speech, a comma separates the actual word spoken from the rest of the sentence. This comma is not used in the indirect speech. In indirect speech, the conjunction that. Now, what is a conjunction? Conjunction means when आपके दो sentence को एक word join करता है. जैसे Rohan told his mother is one sentence and he was late for school is the another sentence. When this word that joins the two sentence, that is your conjunction. That is used to introduce the reported clause. So see, Reema said, "Mother, I am tired." So your inverted comma is there. So this is my direct speech. Reema told her mother that she was tired. So this that word indicates indirect speech. Okay. Now, change in verbs. The tense of the verb in the reported clause changes. अभी यहाँ पे जो tense है वो क्या होता है, verb के change होते हैं. Said जो है वो told हो जाते हैं. So कैसे change करते हैं, ऐसे automatically तो हम change नहीं करते ना, there is a specified rule for that. See, direct speech, present tense direct speech है, और जब वो indirect में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, past tense. यहाँ पे present tense क्या change हो जाता है, past tense में, और past tense change होता है past perfect tense. Auxiliaries like will, can, may. ये चेंज होगा would. Will हो जाएगा would, can हो जाएगा could and may हो जाएगा might. Another changes which is done is this. जब आपके sentence में आपके direct speech में this word रहेगा तो वो change हो जाएगा that. These हो जाएगा those. Now, then, ago, before, today, that day. Tomorrow, the next day. Yesterday, the previous day. Here, there. I again repeat, in your direct speech, present tense will be changed into past tense in your indirect speech. आपके direct speech में अगर present tense है, तो वो past tense में change हो जाएगा जब आप indirect speech में convert करोगे. आपका past tense अगर है, तो वो past perfect tense में change हो जाएगा. और अगर आपका auxiliaries है, like will, can, may, so it will change into would, could, might. And ये जो आपके words हैं, these, तो ये हो जाएगा that, these, those. So this is the singular form and this is the plural form. Now will become then, ago, before, today, that day, tomorrow, the next day, yesterday, the previous day, here, there. Understood, student? Now we will solve one example of your direct speech and one example of your indirect speech. Let's see how we can change. Now we have learned the examples. Na, हमें examples तो पता चल गया कैसे करते हैं, rules भी पता चल गया है. So we will do. Chitra said that she was very busy. Now first tell me whether this sentence is direct speech or indirect speech. Yes, it is indirect speech. Why? Because this word that is in your sentence and there is no inverted comma. So, mera ye sentence kaisa hai? Ye sentence mera indirect form mein hai. Now, what I have to do? I have to rewrite the following in direct speech. Ab hume kya karna hai? Isko direct form mein likhna hai. So, Chitra said. So, this that jo hai wo hat jayega. And then comma, because we have to separate the speaker from the sentence na. So hum comma lagayenge, fir open inverted comma. I, she ka kya ho jayega? I, aur was jo hai past tense hai, wo ho jayega present. To am very busy. Understood how I have changed the sentence? See, Chitra said. So this is my one sentence which I will separate because I have to write in the direct form. So Chitra said, comma, then apostrophe, she will become I, was जो है past tense है वो present tense में हो जाएगा and very busy. Understood? And then close inverted comma with full stop. Second one, the boy said that he was glad to be there. Again, what we will do, first we will see which are the words which we have to change. So ये that change हो जाएगा. ये was change हो जाएगा और ये there भी change हो जाएगा. Because we have learned ना there का क्या होगा, here, there, okay? So what we will do, we will separate the boy said, comma, then open inverted comma, he will become I, was will become am,
glad to be here. Okay, understood? Now we will see how this sentence will change. First tell me whether the sentence is in the direct form or indirect form. Yes, it is in the direct form. Why? Because the sentence is separated by comma and open inverted comma along with full stop. Snow White said, I stayed at home yesterday. So Snow White ने कहा है ना, I stayed at home. So Snow White said, now here ये जो I है वो change हो जाएगा, ये comma हट जाएगा. So whenever we remove this comma, we will write that. Okay? That she had stayed, we have to do in the past tense ना. सो प्रेजेंट टेंस जो है वो पास्ट टेंस में हो जाएगा. तो आई शी हैड स्टेड एट होम यस्टरडे का व्हाट विल बी द फॉर चेंज द प्रीवियस डे. सो इन दिस वे यू विल डू. नाउ सी, स्नो वाइट सेड, दैट हमने कॉमा हटा के दैट लिखा है, आई का हमने शी लिखा है, स्टेड का हमने पास्ट दिया है तो फिर हैड स्टेड हो जाएगा, एंड एट होम यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे. अंडरस्टूड? In this way, you will do your remaining questions of your direct speech and indirect speech. Do practice this, students, because in the next level, it will be more difficult, more harder to understand it. So, this is a basic change of rule of direct and indirect speech. So, revise this thoroughly. Until then, have a good day. Be careful. Be safe. Bye-bye, student.